घंटे काम करेंगे और बस्तर से काला साया हटाएंगे, यह कहना है डिप्टी सीएम विजय शर्मा का छत्तीसगढ़ के। उन्होंने कहा कि बस्तर के गांव गांव तक विकास पहुंचाने के लिए हर कदम उठाया जाएगा। विजय शर्मा ने नक्सलियों से अपील की है कि वो मुख्यधारा में लौट आए, सरकार अच्छी पुनर्वास नीति लाएगी, बस्तर के लोग और बस्तर नक्सली छाया से आजाद हो जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बातचीत के रास्ते हमेशा खुले हैं और इस कार्रवाई का, इस एक्शन का राजनीति से कोई संबंध नहीं। जवानों के शौर्य के कारण ही है ये, जवानों के भुजाओं की ताकत से संभव हो रहा है। और कवर्धा बस्तर में गांव-गांव तक विकास की गंगा पहुंचाने के लिए जो आवश्यक है वो कदम सारे उठाए जाएंगे। उपरांत भी सरकार हाथ जोड़ के विनम्रतापूर्वक ये ज़रूर कहना चाहती है कि हर हाल में कोई व्यक्तिगत या छोटे बड़े समूह में जैसे भी चर्चा करके, बातचीत करके बहुत अच्छे पुनर्वास नीति के साथ मुख्यधारा में वापस आए। समाज उनको स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं दिखाने वाला है और वो समाज में पूरे सम्मान के साथ जिएंगे। साथ ही साथ बस्तर के लोग आज़ाद हो जाएंगे, बस्तर के गांव आज़ाद हो जाएंगे, बस्तर के गांव में भी उन्नति पहुंच पाएगी, विकास पहुंच पाएगी। नहीं नहीं, चुनाव से क्या लेन देन है भैया इसका, चुनाव से क्या लेन देन है? और ये जो मसला है, ये जो बस्तर का दर्द है, ये जो छत्तीसगढ़ का दर्द है, इसको कोई चुनाव से जोड़कर देखे भी तो भी गलत है। इसका चुनाव से कोई लेन देन नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। इधर नक्सली एनकाउंटर पर कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए कहा है कि बीजेपी नक्सली के नाम पर आदिवासी को भी मार देती है, पूरी जानकारी आ जाए तभी कुछ कहा जा सकता है। एक तरफ बातचीत की अपील करते हैं, दूसरी तरफ मुठभेड़ हो रही है, दोनों बातें एक साथ नहीं चलती। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए, साफ करना चाहिए कि वो चाहती क्या है। रमन सरकार के समय नक्सली घटना चरम पर थी और हमारी सरकार में इस पर बहुत नियंत्रण था। पूरी तरह से कुछ कह पाना उचित नहीं है क्योंकि ये नक्सलियों के नाम में आदिवासियों को भी मार देते हैं, तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी इस पर पूरी जानकारी आ जाए तब हम कुछ कह सकते हैं। लेकिन वो गृह मंत्री कह रहे हैं कि हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं नक्सलियों से कि वो आए और बातचीत करें, क्या चाहते हैं? अब गृह मंत्री की कितनी चलती है उनकी सरकार में मैं नहीं कह सकता। पूरे भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की रमन सिंह जी की सरकार रही है, नक्सली घटनाएं उस समय चरम सीमा पर थी और हमारी सरकार आने के बाद नक्सली घटनाओं में बहुत कमी आई थी। और अब की सरकार अगर नक्सली घटनाओं के लिए वार्ता की बात करते हैं और दूसरी तरफ नक्सलियों से मुठभेड़ भी हो रहा है तो दो बातें नहीं चलती। उनको अपनी बातें स्पष्ट करनी चाहिए कि वो चाहते क्या हैं। बीजापुर में मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों के शव जवान लेकर कैंप लौट आए हैं। ये ऑपरेशन 14 घंटे तक चला। नक्सलियों से बड़ी मात्रा में गोला बारूद हथियार बरामद हुआ है। इस ऑपरेशन को दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर के 1000 से ज्यादा जवानों ने अंजाम दिया। पिछले 4 महीने का आंकड़ा अगर देख लिया जाए 103 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में ढेर किया है। कल बीजापुर के गंगालूर क्षेत्र के पीड़िया इलाके में मुठभेड़ हुई थी जिसमें 12 नक्सली मारे गए थे। 12 नक्सलियों के शवों को बीजापुर लाया गया, यहाँ पर पीएम के बाद में शवों को यहाँ पर रखा गया है। शवों की शिनाख्त हो गई है लेकिन इसे खुलासा जो है अभी तक पुलिस अधिकारियों ने नहीं किया। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 12 नक्सलियों के शव जो है यहाँ पर रखे गए हैं और इसके साथ ही साथ यहाँ पर भारी मात्रा में जो है विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी ये नक्सलियों के शव यहाँ पर रखे गए हैं और साथ ही साथ यहाँ पर काफ़ी हथियार बरामद हुए हैं। करीब जो है 9 यहाँ पर भरमार बंदूक और इंडियन कंट्री मेड के जो है राइफल बरामद की गई है। इसके अलावा मौके से आप इसे देख सकते हैं कि यहाँ पर बीजीएल जो है, ये बीजीएल भी बरामद हुआ है। ये नक्सलियों का जो है देसी लॉन्चर रहता है जिसके चलते जो है दागने से नौजवानों को काफ़ी नुकसान होता है, ये बरामद हुआ। इसके अलावा जो है टिफिन बम जो भी बरामद हुआ है और साथ ही एक हैंडसेट बरामद हुआ है जो नक्सली जो है उपयोग करते हैं। इसके अलावा काफ़ी संख्या में यहाँ पर दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद हुई है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि नक्सलियों का यहाँ पर जो है कुछ साहित्य किताबें यहाँ पर जो है बरामद की गई है जिसमें जनरल कमेटी और तमाम प्रकार का जिक्र किया गया। इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी संख्या में कपड़े नक्सलियों के बरामद हुए हैं। इसके अलावा जवानों के भी कपड़े यहाँ पर जो है कपड़े बरामद हुए हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर दवाइयाँ जो नक्सली संगठन में उपयोग करते हैं वो उपयोग हुए हैं। ये मुठभेड़ जो है काफ़ी भीषण मुठभेड़ थी, करीब 14 घंटे तक जो है मुठभेड़ चली है। ये बीजापुर का गंगालूर
इलाके के पीड़िया इलाका है जो काफी नक्सल प्रभावित इलाका है, घना जंगल वाला इलाका है। तीनों जिले सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर से डीआरजी, कोबरा और संयुक्त जवान करीब 1000 जवान ऑपरेशन के लिए भेजे गए थे और करीब 14 घंटे तक मुठभेड़ में 12 नक्सली मारे गए और 2 जवान घायल हुए हैं। अब नक्सली मारे गए हैं उनकी शिनाख्त हो गई है, लेकिन पुलिस अधिकारी खुलासा करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो है 12 नक्सलियों के शव यहाँ पर रखे गए हैं। सदी चांडक, न्यूज 18, बीजापुर।